चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? भारतीय जनता पार्टी महायुति आई जुदानीच्या चरणी प्रार्थना आहे आणि 100% आमचा उमेदवार महायुतीचा उमेदवार प्रचंड बहुमताने जिंकून येणार। अभी पता है कि मोदी जी ने कितना किया है ये देश के लिए, क्योंकि आपकी बार 400 पार में एक पालघर भी होगा। 100% मैडम तुमचं नाव सांगा। मिनी उपाध्याय, मी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आहे। हितेंद्र बोलते यहाँ पे नरेंद्र मोदी चलेंगे, उसके बारे में क्या थे? नहीं, यहाँ भी चलेंगे। जो आज जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या, तो इसमें इस बार मोदी जी ही चलेंगे और बीजेपी ही आएगी। भगत विराज सर महामंत्री, काय सांगाल, काय वातावरण आहे सध्या पालघर मध्ये, कोणाच्या नावाची चर्चा आहे? हेमंत सवराजी सगळं योग्य भूमिपुत्र उमेदवार दिल्यामुळे या टायमाला आता 100% बीजेपीचा उमेदवार जिंकून येणार आहे। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मधून मी दीपक कोटेकर आणि यावेळेला मी उपस्थित आहे विरारच्या जीवदानी मंदिराच्या पायथ्याशी। आज महायुतीचे उमेदवार हेमंत विष्णू सावरा जीवदानी आईच्या दर्शनाला आलेले आहेत। तमाम भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता आहेत, जाणून घेऊया त्यांच्यामध्ये नेमकी काय खटखट आहे। सर काय सांगाल, खूप उशिराच्या नंतर महायुतीचे उमेदवार जाहीर झालेले, कसा उत्साह आहे, कशा प्रकारे कार्यकर्ते जल्लोषात आहेत? जय भाजपा, जय भाजपा। मी विरोधींना एकच सांगतो आहे, एकच मंत्र देतो, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भारत माता की, क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? भारतीय जनता पार्टी महायुति आई जुदानीच्या चरणी प्रार्थना आहे आणि 100% आमचा उमेदवार महायुतीचा उमेदवार प्रचंड बहुमताने जिंकून येणार आणि जे आम्हाला 2 नंबर सांगताय ते 3 नंबरवर जाणार। ताई नाव सांगा तुमचं। रचना मकवाना। तसे आप मतदारों से सामने जाओगे? सर देखिए, अब इलेक्शन है, जाना तो जरूरी है मतदानों के सामने, उनकी क्या तकलीफ है, क्या दुविधा है, क्या है, वो सब लेके अभी हम लोग जा रहे थे। अभी तक अभी जाएंगे हम हमारी पार्टी के लिए। आपको भी पता है कि मोदी जी ने कितना किया है ये देश के लिए। आपकी बार 400 पार में एक पालघर भी होगा? 100% मैडम तुमचं नाव सांगा। मिनी उपाध्याय, मी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आहे। इस बार मोदी सरकार 400 पार ही होगी, और क्योंकि जो मोदी ने काम किया है इंटरनेशनल देश के लिए बहुत अच्छा किया। लेकिन है, लेकिन यहाँ के हितेंद्र बोलते यहाँ पे नरेंद्र नहीं चलेंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ भी चलेंगे। जो आज जो जनसंख्या है, दिखरी जनसंख्या, तो इसमें इस बार मोदी जी ही चलेंगे और बीजेपी ही आएगी। जानून गए अपने देशाचा युवा देखील आ गया ना। नाम बताओ आपका। शिवेंद्र मिश्रा। क्या लगता है अब की बार 400 बार इसमें पालघर की सीट भी जरूर होगी? इसलिए पालघर की जनता को परिवर्तन चाहिए। यहाँ की जो मूलभूत सुविधा है जैसे कि पानी, रास्ते, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वो अभी पूर्ण तरह सबको नहीं मिले। जैसे मोदी जी के द्वारा सूर्या डैम, देवेंद्र जी द्वारा हुआ है, उसी तरह और योजना भी आने चाहिए। लेकिन सूर्या डैम का हितेंद्र जी ऐसा बोलते कि हमने बनाया है करके। सूर्या डैम को जो पैसा है वो किसी के बोलने से नहीं होता। जो सूर्या डैम का पैसा है वो देवेंद्र जी के पाटपुरा आवास से हुआ था जब उनकी सरकार थी, और उसको पास केंद्र सरकार ने किया था। हितेंद्र जी बोलते हैं कि आप 3रे नंबर पे जाएंगे। हम 3रे नंबर पे नहीं जा सकते, क्योंकि पूरे पालघर में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत है। जैसे कि आपने रैली देखा, 15,000 से भी ज्यादा पब्लिक का समर्थन मिला था हमारे उम्मीदवार को, और इस बार भी हम पहले क्रमांक पे होंगे और आगे भी हम पहले क्रमांक पे रहेंगे। पूरे युवा एक अलग उत्साह से उस रैली में शामिल हुआ था और हमने फॉर्म भरा था, हमारे उम्मीदवार ने फॉर्म भरा था। आज की भी रैली पूरी तरह यशस्वी होगी। नमस्कार दादा, नाव सांगा तुमचं। मी हरीश भगत, विरार शहर महामंत्री। काय सांगाल, काय वातावरण आहे सध्या पालघर मध्ये, कोणाच्या नावाची चर्चा आहे? हेमंत सवराजी सगळं योग्य भूमिपुत्र उमेदवार दिल्यामुळे या टायमाला आता 100% बीजेपीचा उमेदवार जिंकून येणार आहेच, 100%। आणि कार्यकर्त्यामध्ये योग्य भूमिपुत्र उमेदवार दिल्यामुळे एक चांगलं वातावरण तयार झालं कार्यक्रमामध्ये आणि जोश पूर्ण गल्ली गल्ली मध्ये आमचं काम चालू झालेलं आहे आज। आपण एकंदरीत जर पाहिलं तर आपल्याला भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह दिसतो आहे। इतक्या दिवसांनी महायुतीचे उमेदवार जे आहेत हेमंत विष्णू सावरा यांचं नाव जाहीर झालेलं आहे। हेमंत विष्णू सावरा जीवदानी आईच्या दर्शनाला गेलेले आहेत। असं असताना तमाम विरारकरांना भेटण्याचं काम ते करणार आहेत, या रॅलीच्या माध्यमातून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करणार आहेत। या ठिकाणी चौरंगी लढत होणार आहे,
ही चौरंगी लढत मध्ये कोण विजय होणार आहे 4 जूनलाच माहिती पडणार आहे, परंतु कुठे ना कुठे तरी महायुतीने उमेदवार जाहीर केल्यामध्ये एक चैतन्याचं वातावरण जे आहे ते भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, वसई विरार.